तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि, परीक्षाओं पर पैनी नज़र। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की जो सीरीज चल रही है हिंदी की, 25 का दम, ठीक है ना। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की सीरीज, आज का की जो हमारी वीडियो, जो आज हमारा लेक्चर है वो क्लास 15 है, ठीक है ना। आज 15वीं क्लास है हमारी हिंदी के प्रैक्टिस की, जिसमें हम लोग डेली नए 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं और उनमें डिस्कशन करते हैं आपस में, ठीक है ना। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए जी। भूदेव सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पुष्पेंद्र चौधरी, अनुज तिवारी, ठीक है ना। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जितने बच्चे यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये जानकारी होगी कि न्यूज़पेपर में एक यूपीएसआई की वैकेंसी आने का एक न्यूज आ चुकी है, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग के अंदर कोई ना कोई हलचल प्रारंभ हुई होगी, तभी न्यूज़पेपर में वो खबर आई है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, उसको सूचना कहते हैं, उसको परिपत्र कहते हैं, या उसको आज्ञा पत्र कहते हैं, या फिर उसको अधिसूचना कहते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि यदि सभी राज्य सरकारों को एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग परिपत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसे, उसे हम लोग परिपत्र। जी बिल्कुल, शिवानी कल्याण, जय हिंद, मृत्युंजय यादव जी कैसे हो, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर क्लियर हो गया परिपत्र। परिपत्र के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज में भी इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं कि आखिर ये परिपत्र होता क्या है, ठीक है ना। पूरे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और यदि किसी को अभी भी डाउट हो तो पीछे की जितनी 15 वीडियोज है ना वो कंटिन्यू देख लीजिए। और यूपीएसआई की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यूपीएसआई की जो मैंने 27 वीडियो सॉल्व कराई है ना, 27 पेपर की जो वीडियोज है उन्हें जरूर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए सर जी, इतने दिन कहाँ थे आप जी, यहीं थे बस, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, ठीक है ना। नियम में, आदेश में, कर्तव्य में, या फिर अधिकार में। जो हमारी अधिसूचना जारी होती है उस अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। देखिए, जब कोई सरकार, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार होती है, जब उसे कोई नियम लागू करना होता है तो वह अधिसूचना जारी करती है, ठीक है ना। या जब उसे कोई एक आदेश जारी करना होता है तब भी वो क्या करती है, वो एक सूचना जारी करती है, ठीक है ना। लेकिन जब किसी कर्तव्य की बारी आती है तो वहां पर अधिसूचना नहीं जारी की जाती है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला यहां पर उत्तर हो जाएगा, कर्तव्य। जब कभी कर्तव्य की बारी आती है तो कर्तव्य के समय पर वहां पर अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही, नहीं डी नहीं होगा भैया, अधिकार नहीं होगा, कर्तव्य होगा, ठीक है ना। कर्तव्य सही होगा, कर्तव्य, कर्तव्य नहीं आता है। नियम, आदेश, अधिकार जो क्षेत्र होते हैं ना, ये सब क्षेत्र इसमें प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। जो उद्देश्य होता है उसमें कर्ता के साथ क्या रहता है, विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय, या विधेय पूरक, बताइए कमेंट करके। और जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, बाकी लोग पता नहीं कहां चले गए हैं। देखिए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो उद्देश्य में कर्ता के साथ विस्तार हो आता है। क्या आता है, कर्ता के साथ वहां पर विस्तार आता है। क्या आता है, कर्ता के साथ विस्तार आता है वहां पे, ठीक है ना। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन हमें होगा कि कैसे है। तो इसे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, उद्देश्य और कर्ता के बारे में, वहां पर किस तरह से उद्देश्य में कर्ता किस तरह से आता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, तो वहां ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। अभी यदि मैं ऐसे क्लियर कराना शुरू कर दूंगा ना तो बहुत लंबा समय हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं, किसे कैसे जोड़ते हैं, वे शब्द जो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, चाहे वाक्यांश हो उनको भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना, वाक्यों को भी जोड़ देते हैं, वो वाक्यों को भी जोड़ते हैं, वो शब्दों को भी जोड़ देते हैं,
वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द अव्यय होते हैं, इसलिए उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इसलिए उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कई लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चार का उत्तर हमारा डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, शिवानी गालियान का आंसर गलत हो गया है, भूदेव ने आंसर बिल्कुल सही दिया है चार का। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, जी ऑप्शन बी नहीं होगा, संबंधीकरण नहीं होगा, उसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। जैसे समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि और, वरना, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अन्यथा, ये सब क्या है, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाववाच्य छांटना है, इसमें भाववाच बताना है कि भाववाच कौन सा है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई और चोर पकड़ा गया। अब बताइए इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें भाव प्रकट हो रहा हो, बताइए जरा। भाव तो तोते से उड़ा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, सीता से लिखा नहीं जाता, यह एक भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहां पर भाववाच्य किसमें, बी वाले ऑप्शन में हमारे है। जो हमारा बी वाला ऑप्शन है उसी में क्या है, भाववाच्य है। ठीक है ना, जहां पर हमें भाव दिख जाता है, जिस वाक्य में भाव प्रधान हो जाता है, भाव दिखता है कि तोते से उड़ा नहीं जाता, तो यहां पर क्या भाव निकल रहा है, यहां पर उड़ने का भाव निकल रहा है कि अब जो तोता है ना उससे उड़ा नहीं जा रहा है, वो थक गया है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया रूप में दिखाई पड़ती है, कौन दिखाई पड़ती है, मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, बताइए जल्दी, बताए जरा सा। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया जो है वो किस रूप में दिखाई पड़ती है, मूलावस्था में, पूर्वावस्था में, उत्तरावस्था में या फिर उत्तमावस्था में, हाँ उत्तरावस्था में। ठीक है ना जी, जो सी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, उत्तरावस्था में। अब कैसे इसे समझ लीजिए, देखिए जो हमारी विशेषण है उस विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है विशेषण की अवस्थाएं, तीन होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। तीन होती है ना, लिख देते हैं क्या, अच्छा लिख दीजिए, ठीक है लिख देते हैं। लिख देते हैं भाई इस चीज को, ये इंक है बोर्ड पे चिपक जाती है। चलिए देखिए लिख देते हैं, जो हमारा विशेषण होता है वो उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं होती हैं, पहली तो होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। तीन ही होती है ना। अब जो पहली होती है तो विशेषण के जो सामान्य प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, और यहां किसी से तुलना नहीं की जाती है, वो तो होती है मूलावस्था। अब उत्तरावस्था में जब आते हैं तो जब दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, यानी दो प्राणी हो, दो व्यक्ति हो या दो वस्तुओं हो, जब उन दोनों की तुलना करते हो यह बताया जाए कि ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा ज्यादा है, तब वहां पर क्या होता है, तब वहां पर उत्तरावस्था होता है। अब उत्तमावस्था क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा उत्तमावस्था होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, तो यहां पर कौन सा हो गया, उत्तरावस्था वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, तो ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, बताइए भैया।
जी 19 लोग देख रहे हैं, लेकिन ये 19 लोग वो है ना, 19 लोग ये वो हैं जो क्या करते हैं, परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, बस मजे लेने के लिए वीडियो देखते हैं, उन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। पढ़ पढ़ के हैं, पढ़ पढ़ के होशियार बन गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? ये क्या है, सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये कैसा है, ये मिश्र वाक्य है। क्या है ये मिश्र वाक्य है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मिश्र वाक्य कैसे हो गया, बोलेंगे ना मिश्र वाक्य कैसे हो गया। तो देखिए रचना के आधार पर यदि वाक्य की बात की जाए तो रचना के आधार पर वाक्य तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो यहां पर मिश्र वाक्य वाला आंसर सही है। अब कैसे सही है, देखिए मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहां पर भी वही है कि मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कहां और कब हुआ था, या मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक तो क्या है उपवाक्य और दूसरे क्या है आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना। तो डी वाला उत्तर यहां पर हमारा सही हो जाएगा, यहां पर मिश्र वाक्य है ना कि संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। कुछ लोग संयुक्त लगा रहे हैं वो गलत है। सर बस वीडियो देख रहे हैं और आंसर कॉपी में नोट कर लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। अच्छा जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटना है। अब बताइए शुद्ध वाक्य छांट के बताइए कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बी ऑप्शन है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे। और डी है कि मैं हल करने की तलाश में हूं। क्या हूं, मैं हल करने की तलाश में हूं, ठीक है ना। तो बी वाला उत्तर हमारा इसमें सही हो जाएगा, जो बी वाला है वो सही है कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ये कैसा है, ये सही वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ए वाला ऑप्शन है, ए वाले में दिया है कि कई रेलवे कर्मचारी गिरफ्तारी हुई। अब यदि मैं इसको शुद्ध करके ऐसे बोल दूं तो क्या बेहतर नहीं होगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। अब हम तो अवश्य ही जाएंगे, इसको शुद्ध करना है। तो क्या हो, यदि हम ये बोल दें कि हम अवश्य जाएंगे तो क्लियर हो गया, ठीक है ना, यानी शुद्ध हो गया। अब इसी तरह डी में कि मैं हल करने की तलाश में हूं, ठीक है ना। तो हल करने की तलाश नहीं होती है बल्कि हल करने के लिए अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है, हल करने के लिए, किसी चीज को हल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, ना कि तलाश करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए केवल और केवल बी वाला हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्प मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, क्या है बताओ। सर्प मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है, पशु शिव हरि और कपिस, बताएं बताएं भैया क्या हो जाएगा सही उत्तर, बताएगा कोई। नहीं पता किसी को, ए ऑप्शन गलत, सी भूदेव का आंसर सही आ रहा है। भूदेव का 9 क्वेश्चन नंबर 9 का वो कह रहे हैं सी हो जाएगा हरी। जो हरी होता है, इस हरी के ये सब अनेकार्थक शब्द अर्थ हैं, ठीक है ना, या अनेकार्थक शब्द है, यानी हरी का मतलब सर्प भी है, मेढक भी है, सिंह भी है, घोड़ा भी है, वानर भी है, हाथी भी है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो हरी होता है यह अनेकार्थक शब्द होता है, क्या होता है अनेकार्थक शब्द होता है, इसलिए यहां पर सी वाला बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, अपभ्रंश पंजाबी प्राकृत और संस्कृत, बताइए इसमें से कौन सी है जो क्या नहीं है, प्राचीन भाषा नहीं है। देखिए भाषा विकास का यदि हम क्रम देखें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग भाषा विकास का क्रम देखें तो सबसे पहले भाषा में आई थी हमारी संस्कृत, क्या आई थी, संस्कृत आई थी।
उसके बाद संस्कृत के बाद यदि हम आते हैं तो संस्कृत के बाद हमारी क्या आ गई थी, संस्कृत के बाद हमारी आई थी पाली भाषा। क्या आई थी? पाली आ गई थी। पाली के बाद क्या आई थी? पाली के बाद आ गई थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत आ गई थी। प्राकृत के बाद क्या आई थी? प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ गई थी। क्या आ गई थी? प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ गई थी, और अपभ्रंश के बाद आ गई थी अवहट्ट। क्या आ गई थी? अवहट्ट आ गई थी, और अवहट्ट के बाद आई है प्राचीन हिंदी। क्या आई है? प्राचीन हिंदी, ठीक है ना, प्राचीन हिंदी। तो देखिए, अपभ्रंश भी आ गई, प्राकृत भी आ गई, संस्कृत भी आ गई, लेकिन पंजाबी नहीं आई है। समझ रहे हैं? पंजाबी नहीं आई है। इसका मतलब जो 10 का उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर हो जाएगा डी, कि जो पंजाबी भाषा होती है, ये पंजाबी जो भाषा होती है, ये पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, इसलिए उत्तर हमारा डी वाला सही हो गया। ठीक है ना, डी वाला हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप बताइए। किसी से, किन से, किन्हीं से और किन को, बताइए। तो देखिए, जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अपादान कारक की बात की जाए तो जो अपादान कारक होता है वो भी बहुवचन रूप में, तो वो होता है किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से। तो 11 का सी उत्तर सही हो जाएगा, किन्हीं से, ठीक है ना। और बाकी जो बचे हैं, किन से, किसी से, किन को, ये क्या है? ये सब एक वचन रूप है। क्या है? ये एक वचन रूप है, ठीक है ना। तो सी वाला जितने जिन लोग आंसर दे रहे हैं उन सबका सही, अमरनाथ का सही है बिल्कुल, ठीक है ना। शिवानी गालियान का भी आंसर सही हो गया, भूदेव सिंह का भी आंसर सही हो गया, ठीक है ना। बाकी लोग आंसर अपना चेक कर लिया, आपका गलत है। अगला है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। अब इसमें पुल्लिंग वाचक छांटना है, कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार, बताइए बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताएंगे। तो देखिए, जो कैमरा होता है, कैमरा ध्यान दीजिएगा, जो 12 का ए ऑप्शन दिया है, कैमरा, जो कैमरा होता है क्या होता है? जो कैमरा होता है ये पुल्लिंग वाचक शब्द होता है। क्या होता है? कैमरा जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारा ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो गया। अब अन्य विकल्पों की बात कर ले यदि, कि पायल, प्लेट और तलवार, तो पायल, प्लेट और तलवार ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग वाचक के शब्द हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सी वाला उत्तर बिल्कुल सही, वो सही, ए वाला उत्तर सही हो गया। अगला कि पाहुना का पर्यायवाची, ये पाहुना क्या होता है बताएं? पाहुना, पाहुना का मतलब होता है आगंतुक। क्या होता है? पाहुना का मतलब होता है आगंतुक, यानी कि सी वाला उत्तर इसका भी सही हो गया, है ना। पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है? आगंतुक। इसके यदि अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो आगंतुक को हम अतिथि बोल देते हैं, अभ्यागत बोल देते हैं, मेहमान भी बोल देते हैं, पाहुन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पाहुन के पर्यायवाची में हमारा सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आगंतुक, ठीक है ना। आगंतुक के पर्यायवाची में मेहमान हो जाता है, ठीक है ना, मेहमान है, और अतिथि है, पाहुन है, ये सब क्या है? ये सब इसी के पर्यायवाची हो जाएंगे, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है, बताएं। निर उपसर्ग छांटना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें निर उपसर्ग नहीं है। निशेष, निर्देश, निर्बल और निर्वाह, बताएं। 14 का उत्तर बताएं, बताएं भैया 14 का उत्तर सही।
बताएं भैया, निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग ढूंढना है आपको। देखिए सबसे पहले हम निर का मतलब जान लेते हैं, जो निर होता है इस निर का अर्थ क्या होता है, निर का अर्थ जानते क्या होता है? निर का अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध या निरपराध। क्या हो जाता है? बिना या बाहर या निरपराध, ठीक है ना, निरपराध या निषेध भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निषेध भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हमें बताना है किसमें उपसर्ग नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ए वाले में नहीं है, ठीक है ना, कह रहे हैं ओ वाले, ए वाले में नहीं है, क्योंकि ए वाले में क्या है बताइए, ए वाले में क्या है? तो देखिए जो ए वाला ऑप्शन है निःशेष, तो निःशेष दो शब्दों से बना हो है, एक नि से बना है और एक शेष से बना है, तो इसमें निर उपसर्ग तो आया ही नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ए वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, इसलिए ए वाला उत्तर हमें बिल्कुल सही हो, जी पुष्पेंद्र चौधरी बिल्कुल 100% सही है आपका। अगला है शुद्ध वाक छाटना है इसमें, मुझसे काम संभव नहीं हो सकता। बी है वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। सी है मैं आपकी भक्ति करता हूं। डी है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, तो शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, यही शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। 15 का बी वाला जो विकल्प है, 15 का जो बी वाला विकल्प है यही बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना, यही क्या है, यही है जो कि पूरी तरह यहां पर शुद्ध है, बाकी सारे के सारे अशुद्ध हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला वाला है कि मुझसे काम संभव नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि मुझसे काम नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद यदि मैं कहूं कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो यहां लिख सकते हैं कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, पीती जगह पीते लगा सकते हैं, ठीक है ना, पीते हैं। मैं आपकी भक्ति करता हूं, यह भी आपका अशुद्ध है, ठीक है ना, केवल बी वाला सही हो जाएगा, 15 का बी। अगला प्रश्न, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में उप उपसर्ग आता है। क्या आता है? उप। जो उप उपसर्ग होता है, इस उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है समीप, इसका मतलब होता है छोटा, इसका मतलब होता है गौण, ठीक है ना, क्या होता है गौण। तो ये हमारा कौन सा उत्तर सही हो गया? डी वाला उत्तर सही हो गया। कौन सा? डी वाला उत्तर हमारा इसके लिए सही हो गया, है ना। आसान से प्रश्न है ना, कि बहुत टफ है, सिर्फ 18-19 लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहां चले जा रहे हैं बाकी लोग। अगला प्रश्न, कुंदन का पर्यायवाची बताइए, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन का मतलब होता है सोना, स्वर्ण, कंचन, है ना, कनक, हेम, ये सब क्या है? कुंदन के पर्यायवाची हैं। लिख दें क्या? कुंदन के पर्यायवाची में, कुंदन के पर्यायवाची तो क्या हो जाते हैं कुंदन के पर्यायवाची में? स्वर्ण, सोना, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, ये सब क्या है? ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा सही हो गया? 17 का ए वाला सही हो गया, 17 का ए वाला विकल्प सही हो गया, ठीक है ना, 17 का ए वाला विकल्प सही हो गया। शेष कुमार आप कह रहे हैं हम भी आ गए, बहुत बढ़िया जी, आप भी आ गए, कहां थे लेकिन अभी तक, कहां थे अभी तक? चलिए रंजन, थैंक, आपने मेरा डाउट पूछा, अच्छा जी। चलिए अगला प्रश्न,
ड्रॉइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ का अर्थ क्या होता है? ड्रॉइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, डूबने वाले को तिनका सहारा देता है, डूबने वाले को भगवान बचाता है, डूबते को तिनके का सहारा, या डूबने वाला खुद को बचाने को संघर्ष करता है। तो क्या हो जाता है? डूबते को तिनका का सहारा या डूबते को तिनके का सहारा, ये एक कहावत है और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? जी हाँ, और भी क्लास चलती है। जी हाँ आकाश, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रॉनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, यानी डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो 18 का उत्तर कौन सही हो जाएगा? 18 का सी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन करना था हमें। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुल श्रेष्ठ और धर्म भ्रष्ट, बताइए बताइए जरा। सी नहीं भैया, डी, डी हो जाएगा इसका उत्तर। डी, जो धर्म भ्रष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द होता है धर्म भ्रष्ट, ठीक है ना, जो धर्म भ्रष्ट शब्द होता है, इस धर्म भ्रष्ट शब्द में अपादान तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है ना, अपादान तत्पुरुष समास होता है इसमें। तो उत्तर क्या उनसे सही हो जाएगा हमारा? उत्तर हमारा सही हो जाएगा डी वाला। कौन सा? डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। धर्म भ्रष्ट का यदि विग्रह करेंगे तो विग्रह मतलब क्या हो जाता है? धर्म भ्रष्ट का यदि विग्रह हम करेंगे तो धर्म भ्रष्ट का विग्रह क्या होता है जानते हैं? धर्म भ्रष्ट का मतलब होता है जो धर्म से भ्रष्ट होता है। क्या? धर्म से भ्रष्ट, जो धर्म से भ्रष्ट होता है उसी को धर्म भ्रष्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और यह अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो डी वाला उत्तर हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है शुद्ध वाक्य छांटिए, छांटिए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। छांटिए, देखते हैं कौन छांटता है ना। छांटिए शुद्ध वाक्य को। आप लोग तो दिन पे दिन संख्या कम होती जा रही है। एक समय था जब 40 लोग आते थे, 50 लोग आते थे, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की जो इच्छाएं है ना पढ़ने की वो खत्म होती जा रही हैं। लॉकडाउन का असर हो रहा है क्या? पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसी बात है क्या? कोई शुद्ध वाक्य छांटना है। तुम इसका दाम देने जाओ, गलत है। उसका संतान अच्छा है, उसकी संतान अच्छी, ऐसे बोलते हैं। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यह शत प्रतिशत शुद्ध है, ठीक है ना। शत प्रतिशत शुद्ध लिखा हुआ है, 20 का सी ऑप्शन। जो 20 का सी है वही उत्तर बिल्कुल सही है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? बताइए भैया, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र ने, सिद्धाराम फुल्लोरी ने, लल्लू लाल ने, या राजा राम मोहन राय ने? श्रद्धाराम, डेली क्लास नहीं लेते हैं आप गुरुदेव इसलिए, और पहले नोटिफिकेशन भी नहीं जाता जी। नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको बोलता हूँ ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे ना, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। होता क्या है ना, बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जाता है। दूसरा, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब वो बेल नोटिफिकेशन जो होती है, जिससे नोटिफिकेशन आता है, इनेबल होता है, वहाँ पर ऑल नहीं करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर यदि आप ऑल कर देंगे ना तो नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर कौन हो जाएगा?
बी सिद्धाराम फुल्लोरी, कौन है? सिद्धाराम फुल्लोरी, ठीक है ना, सिद्धाराम फुल्लोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, दुख और कृपा, बताइए। यदि कभी किसी को किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, ठीक है ना, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ। 22 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो क्षोभ शब्द होता है, ये क्षोभ शब्द दुख के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ वहां प्रयोग होता है जब कभी सफलता ना मिलने पर यदि हमें कोई दुख होता है तो उसके लिए हम शब्द यूज कर लेते हैं, कौन सा? क्षोभ का। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 23 नंबर, देख लेते हैं 23 नंबर में क्या है। 23 नंबर प्रश्न है कि धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, तो बताइए क्या होता है धूसर का पर्यायवाची, हाँ बताइए जरा, धूसर का पर्यायवाची शब्द। तो धूसर के पर्यायवाची में कौन कौन शामिल होते हैं? बेसर, खर, गर्दब, लिख लीजिए जरा, बेसर, खर, गर्दव, हाँ, रासव, रासव, ये सब क्या है? गधा, गधा ही बोल सकते हैं, गधा, ये सब क्या है? ये सब दूसर के पर्यायवाची हैं। तो क्या मिल गया? बेसर मिल गया, यानी कि 23 का सी वाला उत्तर सही हो गया, 23 का सी वाला उत्तर सही हो गया, क्योंकि दूसर के पर्यायवाची में बेसर मिल गया हमें, क्या मिल गया? बेसर, और ये हमारे सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा क्या होता है? खाने की इच्छा है विभुच्छा, बुभुच्छा, बीभुच्छा या भूभुच्छा, बताइए, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। जो खाने की इच्छा होती है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है ना, वो बुभुच्छा के किया जाता है, क्या करते हैं? बुभुच्छा, यानी 24 का बी, एक शब्द होता है बुभुच्छा, इस बुभुच्छा का मतलब क्या होता है? खाने की इच्छा, क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा को एक शब्द में लिखना चाहें तो लिख देते हैं क्या? बुभुच्छा, ठीक है ना। अगले पर आते हैं 25 नंबर पर, अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं क्या है। अंतिम प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है इसमें से, बताइए कौन सी है इसमें से। तो देखिए जो खास होता है, क्या होता है? जो खा होता है, ये खा क्या होता है? ये खा जो होता है ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, ठीक है ना। ये क्या है? सब है, क्या है? ये सब है, ठीक है ना। तो 25 का कौन सही हो जाएगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, 25 का भी उत्तर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के हमारे 25 प्रश्न हो गए। अब इसी तरह हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पर 10 बजे और नए 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, और यदि कोई आपको डाउट है या फिर आपको कहीं एडमिशन लेना है या कुछ भी आपको पर्सनल डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे बोल सकते हैं 7844997666। और क्लासेज की नोटिफिकेशन जिसको भी नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा, क्लासेज की नोटिफिकेशन जिसको भी नहीं आती है वो क्या करें? वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या तो आप परीक्षा दृष्टि लिख के सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ी हुई है उसको क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है ना। तो 40 डेली क्वेश्चन लाओ, 40 लेके आए। चलिए।